रेडी चलिए देखिए आज सॉल्व करेंगे क्या बताइए कहाँ सॉल्व कर रहे थे हम लोग एक्सरसाइज बोलो एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी 12.3 कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे ना चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आता है लाइए बुक दे दीजिए हमें बुक चलिए देखिए एक्सरसाइज 12.3 एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा एक वृत्ताकार मेज पोज जिसकी त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर है ठीक है और क्या कह रहा बोलो मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है इस डिजाइन का एरिया बताना है तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास ये क्या है देखो यहाँ पे सर्कल है ये बोलो क्या है हमारे पास गोला सर्कल है ठीक है ये क्या हमारे पास गोला है आदिल ने कहा है चलो कोई दिक्कत नहीं और ये देखो इसमें क्या है समबाहु त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड आपस में क्या हो बराबर उसको हम लोग क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं और देखिए यहाँ पे कुछ डिजाइन ऐसे बनी हुई है क्या बनी हुई बोलो यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास डिजाइन बनी हुई है ठीक है और इसी का क्या बताना है डिजाइन का हमको एरिया बताना है ठीक है ये देखिए डिजाइन बना हुआ हमारे पास ठीक है और यहां पे ये दे रखा है हमारे पास हाँ कहाँ उठा के ले जा रहे हैं क्या ले जा रहे हैं ठीक है देखिए हमारे पास दे रखा है समझिए बात को अब क्या कह रहा बताओ इसका हमें फाइंड आउट क्या करना है डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है आप समझना यहाँ पे बात देखिए यहाँ पे इसका साइड कुछ दे रखा है क्या 32 सेंटीमीटर क्या दे रखा है रेडियस दे रखा है इधर देखिए यहाँ पे इसका ये हमने सेंटर माना है यहाँ पे देखिए ये क्या है इसका सेंटर है तो इसकी रेडियस देखिए ये क्या वृत्त की त्रिज्या नहीं हो जाएगी बोलो यहाँ पे ये देखियो कितना दे रखा है बोलो 32 सेंटीमीटर क्या दे रखा है इसकी त्रिज्या दे रखा है बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं जब ये 32 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी अगर लाइन इसको ड्रॉ करेंगे तो ये भी 32 सेंटीमीटर होगा कि नहीं बोलो यहाँ पे बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं ये इसमें क्लियर है ये अब बताओ यहां से मान लेते हैं इसके पॉइंट ओ यहाँ पे ए यहाँ पे बी यहाँ पे क्या किया हमने सी पॉइंट मान लिया कोई डाउट है बोलो इसमें अब यहाँ पे समझो ओ से लेकर अगर यहां तक एन तक अगर यहां से लेकर हम लंब डाल दें ये क्या है बोलो एन ओ से लेकर एन तक लंब डालें किस पे बी सी पे ओ से लेकर एन तक लंब डाला किस पे बी सी पे डाला और ये समझना ये कितना दे रखा है इसका रेडियस अब देखो ये 32 सेंटीमीटर इसका रेडियस है तो यहां से लेकर यहां तक साइड इसका क्या ये देखिए एक ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है बोलो एक ट्राइंगल है कि नहीं बोलो एक ट्राइंगल है अगर इसको हम बाहर निकाल के लाएं इस ट्राइंगल को तो कुछ ऐसे ही तो निकल के बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या है ओ यहाँ पे क्या है एन और यहाँ पे क्या है बी और याद रखिएगा ओ से लेकर एन तक हमने क्या डाला है यहाँ पे लंब डाला है क्या डाला है और जब ये लाइन ओ से लेकर एन तक हम लंब डालेंगे तो ये दो बराबर भागों में क्या करता है विभाजित करता है बात समझ रहे हैं कि नहीं अगर कोई लाइन हमारे पास ऐसे है यहां से लेकर यहां तक मान लिया ओ से लेकर एन तक किस पे लंब डाला ए बी पर परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला लाइन दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होगा कहने का मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी और टोटल कितनी हो जाएगी 8 इतनी बात समझ आ रही और जहां पे ये लाइन कंडीशन दिखे तो ये समझ जाना 90 डिग्री का कंडीशन है परपेंडिकुलर कैसा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कंडीशन होता है अब ये समझिए जो ये दिख रहा है इधर देखिए अपनी निगाहों से ध्यान से क्या ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है बना रहा है कि नहीं ये 90 डिग्री का एक चीज ये बताएं 90 डिग्री का बना रहा है और एक ये कैसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो उसको हम लोग क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज समझना बात को ये देखो एक त्रिभुज दे रखा है ऐसे ये ए है ये बी और यहाँ पे सी इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हैं और एक चीज याद जब साइड इक्वल होती है तो इनके एंगल भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं प्रत्येक एंगल कितना होता है प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं जब ये 60 डिग्री का इधर समझिए ये 60 डिग्री का एंगल है
तो क्या ये भी जो टोटल है ये भी 60 डिग्री का नहीं होगा, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 60 डिग्री का होगा कि नहीं, बोलो। बात समझ में आ रही है? और एक चीज़ समझना, ये अगर ये 60 डिग्री का है, एक ये थ्योरम हमारे पास होती है ए और ये बी और यहाँ पे सी। देखिए यहाँ पे क्या है, बोलो पॉइंट इसका ओ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होता है, 2 थीटा होता है। कितना होता है बोलो? अब बात समझना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना है, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर ये एंगल दिया है थीटा तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इस एंगल का ये कितना हो जाएगा, दोगुना होता है। तो ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये टोटल जो एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा कितने डिग्री का हो जाएगा, बोलो 120 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब जब ये 120 डिग्री का है तो ये बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझिए बात को, ये यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दिया, 60 डिग्री का। जब ये 60 है तो ये कितना हो गया, 120, और ये दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो क्या ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री दोनों नहीं होंगे, 60-60 तभी तो 120 होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर इसमें काटता है ना। तो यहाँ पर भी देखो, जब यहाँ से लेकर यहाँ पर लंब पड़ा ओ से लेकर एन तक, तो दो बराबर डिवाइड कर रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, बोलो। अब यहाँ तक समझ में आ गया, तो देखिए ये वाला साइड मान लेते हैं, ये वाला साइड क्या एक्स मान लें, बोलो इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने साइड क्या माना, एक्स माना, और ये वाला एंगल कितना है बोलो, 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बोलो। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि 60-60 टोटल कितना हो जाएगा, तो ये जब 60 डिग्री है और ये कंडीशन कैसी होती है, 90 डिग्री की होती है कि नहीं, 90 डिग्री की। जब ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल बचा कितना, 30 डिग्री का बचा कि नहीं, बताओ। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 180 होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो देखो 60 और 90 कितना हो गया, 150 और 30 कितना हो जाएगा। बात समझ ना रहा है कि नहीं? तो ये वाला जो एंगल निकल के आएगा, समझिएगा, ये तो पूरा वाला एंगल है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को, ये पूरा एंगल था। तो ये वाला एंगल जो मिलेगा, इतना एंगल, ये कितना एंगल हो जाएगा बोलो, 30 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं, समझ में आई बात कि नहीं? ये जो खिचड़ी यहाँ पकी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से सॉल्यूशन, अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म। अब देखिए ये वाली इसकी रेडियस ही तो है, ये वाली, इधर देखो गंदी निगाहों से, क्या है हमारे पास, रेडियस है, और रेडियस कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं, बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है, ये 32 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। इसके सामने की साइड क्या होती है, इसके सामने की साइड, और इसके सामने की साइड, और इसके सामने की साइड होता है कि नहीं, इसके सामने की साइड कर्ण है, तो इसके सामने की साइड लंब, और इसके सामने की साइड। अब ये बताओ, हमने आपको पढ़ाया था लाल बटे, पढ़ाया था कि नहीं, बोलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, बोलो, बताया था कि नहीं ये चीज। तो यहाँ पे 30 डिग्री गाना गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बोलो, आधार बटे कर्ण। तो जब आधार बटे कर्ण निकालेंगे तो ये किसमें होता है, कॉस में होता है कि नहीं, तो एंगल कितना मिल रहा है, 30 डिग्री का। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो लिखिए इन ट्राइंगल ओ बी एन, तो त्रिभुज, त्रिभुज ओ बी एन में, बोलो बात समझ में आ रहा है, त्रिभुज ओ बी एन में, जब त्रिभुज ओ बी एन में निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बात समझ में आ रहा है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसमें होता है, कॉस में, एंगल कितना मिल रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखिए आधार बटे कर्ण, तो कॉस 30 डिग्री, आधार कितना है बोलो, यहाँ पे बी एन, देखो दे रखा है कि नहीं, बी से लेकर एन तक, तो यहाँ पे बी एन हमारे पास आधार है, क्या है बोलो, आधार, और इसका कर्ण कितना है, बी ओ या फिर ओ बी, बोलो बात समझ में आया कि नहीं, बी ओ या फिर ओ बी भी लिख सकते हैं, कोई डाउट है यहाँ तक? आप समझो, कॉस 30 डिग्री हमारे पास, आप ऐसे भी रखा रहने दो, एक चीज बताएं, बी से लेकर एन तक कितना हम लोगों ने माना है, एक्स, तो यहाँ पे रखा एक्स, ओ से लेकर बी तक इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है, 32, कितना दे रखा है, और वी नो दैट कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है, बोलो, अंडर रूट 3 बाई कितना होता है, होता है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे रखा हमने अंडर रूट 3/2, और यहाँ पे कितना है, एक्स बटे 32, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक्स बटे कितना है, या एक्स की जगह पे बी एन ही रखा रहने, तो कोई डाउट तो है नहीं है। अब यहाँ पे तो ये कितनी बार जाएगा, 16 बार कटा कि नहीं। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे कराएंगे तो 16 अंडर रूट 3 हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो एक्स बराबर कितना निकल आया, 16 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है ना, बोलो। तो ये जो साइड निकल के आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी निकल आई, बोलो, 16 अंडर रूट
थ्री, बोलो ये निकला कि नहीं, सोलह अंडर रूट थ्री। जब ये सोलह अंडर रूट थ्री है, हमने आपको बताया था ये दो बराबर भागों में विभाजित करता है ना, जब परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये सोलह रूट थ्री है तो ये भी कितनी हो जाएगी। अब ये बताओ टोटल कितनी हो जाएगी, बत्तीस अंडर रूट तीन हो जाएगा कि नहीं, बोलो। नहीं समझ में आया है, आपस में जुड़ेगा ना। हमने क्या कहा था, ये चार है तो ये चार है तो टोटल कितनी हो जाएगी। अब ये बताओ यहाँ पे 16 अंडर रूट तीन और यहाँ पर भी 16 अंडर रूट तीन, तो 16 अंडर रूट 16 अंडर रूट तीन टोटल कितना हो जाएगा, 32 अंडर रूट तीन, जुड़ने पे हो जाएगा कि नहीं, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये निकला है x का वैल्यू, तो ये जब x का निकाला तो ये BC। अब एक चीज बताएं, त्रिभुज में तीनों भुजाएं, संभव त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, जब ये 32 अंडर रूट तीन है तो क्या यहाँ पर भी 32 अंडर रूट तीन ये नहीं होगा। जब ये 32 अंडर रूट तीन है तो ये भी 32 अंडर रूट तीन होगा कि नहीं, बोलो। तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो वी कैन से दैट, समझना इधर, सो वी कैन से दैट AB is equal to BC is equal to CA। तो यहाँ पे कहे we can say that AB बराबर किसके, BC और बराबर किसके, और तीनों का साइड कितना है, बोलो 32 अंडर रूट तीन है कि नहीं, बोलो 32 अंडर रूट तीन सेंटीमीटर, बोलो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। जब त्रिभुज की हमें भुजा पता चल गई और ये इसकी क्या है, इसकी रेडियस किसकी, वृत्त की है कि नहीं, बोलो। ये वृत्त की रेडियस है कि नहीं, बोलो। ये 32 दे रखा है कि नहीं, तो आप एक चीज बताएं, यहाँ पे त्रिभुज का ये वृत्त में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बाहर निकाल दें तो माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा ना। इस त्रिभुज में से, सॉरी, इस वृत्त में से टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। तो यहाँ पे लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल की डिजाइन का क्षेत्रफल पूछ रहा था, क्या कह रहा, देखो डिजाइन का, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन, बस क्वेश्चन खत्म आपका। देखिए तो यहाँ पे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल, तो जब डिजाइन का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये बताइए पहले क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सर्कल, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, और क्या निकालेंगे, बोलो बोलो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको रब कर दें, तो देखिए यहाँ पे इसको रब कर दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, बोलो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज है, बोलो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, तीनों जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर, उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, बोलो। माइनस क्यों लगाया, समझ में आया कि नहीं बात को। अब ये बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमने आपको बताया था कि एक अगर समबाहु त्रिभुज है, बोलो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज अगर हमारे पास है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, ए बी और सी, तो इसके कोण बराबर होते हैं, इसके बोलो क्या होते हैं, कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, इनकी साइड भी आपस में बराबर। तो इसका जो एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, अंडर रूट तीन बटे चार भुजा स्क्वायर, बोलो होता है कि नहीं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है अंडर रूट तीन बटे चार भुजा स्क्वायर, होता है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे क्या रखें, अंडर रूट तीन बटे चार, और यहाँ पे क्या रखें, भुजा स्क्वायर। ए मतलब क्या है, भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, बोलो 22/7, और इसके लिए रेडियस इसकी जो दे रखी थी, बताओ रेडियस, इसकी रेडियस आर बराबर कितनी दे रखी थी, 32 सेंटीमीटर दे रखी थी कि नहीं आपके, देखो उसमें क्वेश्चन में 32 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी, ये वाली देखो है कि नहीं, इसकी ये इसकी त्रिज्या दे रखा है। तो त्रिज्या का मान रखो यहाँ पे कितना, 32 का स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट तीन बटे चार भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है, बोलो इसके लिए भुजा कितनी निकल आई, ए बी बी सी सी ए, इसकी भुजा ही तो निकली, ये किसका है, त्रिभुज का। तो ए बराबर जो निकल के आया भुजा कितना है, 32 अंडर रूट तीन सेंटीमीटर। नई बात समझ मार है क्या, 32 अंडर रूट तीन, बोलो समझ मार है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, बोलो 32 अंडर रूट तीन, देखो इसका 32 अंडर रूट तीन, तो इसका भी 32 अंडर रूट तीन, और इसका 32, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं। तो यहां पे रख दीजिए कितना, 32 अंडर रूट तीन का क्या हो जाएगा,
स्क्वायर हो जाएगा। नई बात समझ में। अब हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, देखिए खत्म आपका। 22 बटे कितना है 7, इसको कितना लिखेंगे 32 गुणे 32 दो बार लिख सकते हैं बोलो, 32 गुणे 32 हमने दो बार लिखा, यहाँ पे अंडर रूट 3/4 इसको भी क्या लिख सकते हैं बोलो, 32 अंडर रूट 3 गुणे 32 अंडर रूट 3 दो बार लिखेंगे कि नहीं बोलो, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, तो 32 अंडर रूट 3 और 32 अंडर रूट 3 बोलो, कहीं डाउट है, लिखा हमने यहाँ पे। अब एक चीज बताइए आप लोग, हमने आपको बताया कि अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिखा हो कहीं, तो ये सिंपल क्या हो जाता है, हो जाता है कि नहीं है, तो ये बताइए 32 का गुणा कराएंगे तो 32 आम कितना होता है बोलो, हाँ 1024 होता है, 524 नहीं होता है, कितना होता है 1024 होता है, 32 गांव गुणा 32 कराएंगे तो 1024 होता है, बटे में कितना है बोलो 7। अब ये बताओ यहाँ पे 32 का गुणा 32 से कराएंगे कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा कि नहीं बोलो, 1024। और ये अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, सिंपल 3, तो यहाँ पे कितना हो गया सिंपल 3, और ऑलरेडी हमारे पास ये वाला बचा कि नहीं अंडर रूट 3, ये वाला अंडर रूट 3 है कि नहीं बोलो, तो अंडर रूट 3 और बटे में कितना है बताओ यहाँ पे 4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, भेजे में घुस रहा है कि नहीं बोलो, ये क्लियर है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया यहीं पे, अब इसको सॉल्व करो, 1024 का 22 से गुणा कराओ, 22 चौके कितना होगा 88 होगा कि नहीं बोलो, 88 का कितना हो गया 8, 22 दुना कितना हो गया 44 और 8 कितना हो गया 52 का 2, कैरी कितना आया 5, 22 का गुणा कराओगे 0 में तो 22 ही रहेगा, बचा कितना 5 कैरी वाला ना, अब यहाँ पे 22 का गुणा इससे कराओगे तो 22 ही तो रहेगा, बटे में कितना है 7 बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। माइनस अब इसका गुणा कराओ इससे, ये क्या कट जाएगा, देखो इसको काटो यहाँ पे कितनी बार जा रहा है 4 का दुना 8 कट गया कि नहीं, यहाँ पे बचा 2 22 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 हो गया कि नहीं बोलो। अब इसका 3 से गुणाओ, 6 दुना कितना हो गया 6 तीय कितना हो गया 18, 6 तीय 18 और 4 5 तीय 15 16 और यहाँ 3 दुना 6 6 कितना हो जाएगा 7 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं, ये क्लियर है ये चीज, अच्छे से नोट करो इस क्वेश्चन को। लाए हो, चलिए गुड, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज साइंस की क्लास भी नहीं, बातें नहीं, डोंट टॉक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक हमारे पास आकृति दी हुई है ए बी सी डी जिसकी भुजा कितनी है बोलो 14 सेंटीमीटर वाला एक क्या है वर्ग दे रखा है। तो इधर देखो हमारे पास एक हमारे पास ये वृत्त हमारे पास है और ये क्या है बोलो, ये दूसरा वृत्त है कि नहीं बोलो, और ये वाला कौन सा दे रखा है तीसरा वृत्त है और ये वाला चौथा वृत्त है, यही तो डायग्राम दे रखा है बोलो, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, यहाँ से लेकर इस वाले सेंटर से लेकर ये और यहाँ से ये सेंटर और ये वाला सेंटर क्या कर रहा है, आपस में मिला करके क्या बन गया वर्ग बन गया, यहाँ पे ए यहाँ पे बी और यहाँ पे कितना दे रखा है सी और यहाँ पे डी, और इस शेडेड रीजन का जो हमें एरिया बताना है, इस छायांकित भाग का क्या बताना है क्षेत्रफल बताना है बोलो, इतनी बात समझ मार नहीं, इस छायांकित भाग का क्या बताना है क्षेत्रफल बताना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, ये बताओ इसकी जो साइड दे रखी है किसकी वर्ग की भुजा बोलो क्या दे रखा है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना दे रखा है बोलो ए बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर, जो इसकी साइड दे रखा है इस वर्ग की क्या दे रखा है भुजा, इसकी साइड एक बताइए यहाँ पे अगर 14 सेंटीमीटर ये है, बात समझिएगा ये कितना है 14 सेंटीमीटर, और वर्ग की चारों भुजाएं इधर देखिए, एक वर्ग होता है मान लिया ये ए है ये बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, ये वाली साइड सब आपस में क्या होती हैं, मान लिया अगर ये ए होगा तो ये भी कितनी होगी ए होगी, ये भी कितनी हो जाएगी ए और यहाँ पर भी ए। और एक चीज बताइए, हमने आपको बताया था वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो भुजाएं बराबर तो कोण भी क्या होते हैं इसके, और प्रत्येक कोण कितना होता है
90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 90। और टोटल कितने होते हैं? 360 डिग्री। इतना बताया क्या नहीं आपको? बताई गई थी पिछली क्लास में ये चीज। अब ये बताओ, हमने इसका बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर, हमने क्या बताया था? ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। बोलो बताया था कि नहीं आपको? वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर, बताया था कि नहीं ये चीज? आप समझना यहाँ पे, ये बताइए, ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर, ये भी हो गई। बात समझना है कि नहीं? जब ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इतनी बात समझना है कि नहीं? अब एक चीज बताएं, यहाँ पे ये जब 14 सेंटीमीटर है तो यहां से लेकर के यहां तक क्या 7 सेंटीमीटर नहीं होगा? बोलो, जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। बात समझना है कि नहीं? जब ये 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, क्योंकि देखो एक लाइन है यहां से लेकर के यहां तक, ये वृत्त की त्रिज्या है। बोलो क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और ये पूरी लाइन क्या है? व्यास। इसी का क्या हो जाएगा? व्यास, डायामीटर। और यही पूरी लाइन क्या है? उसके वर्ग के लिए क्या है? ये चीज भुजा है। यही बात समझ में आए कि नहीं? ये रेडियस जुड़ा, टोटल डायमीटर हो गया। समझ रहे कि नहीं? पूरा लाइन क्या हो गया? डायमीटर। और ये स्क्वायर वर्ग के लिए यही पूरी साइड क्या है? भुजा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब ये 7 है तो ये भी 7। ये बताइए, टोटल 14 है तो ये भी 7 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 7। जब ये 14 है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 7, और ये 7 है तो यहाँ पर 7, और ये भी कितना हो जाएगा? 7। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो क्लियर है? तो यहाँ पे लिखना जो त्रिज्या है इसकी, ये रेडियस, त्रिज्या कितनी है? बोलो 7 सेंटीमीटर। कैसे आया? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? 7 सेंटीमीटर कैसे आया? क्योंकि d बराबर दे रखा है 14। बोलो कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। हमने बताया था त्रिज्या होता है व्यास का आधा, तो r बराबर 14 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो कितना आ जाएगा? r बराबर 7 सेंटीमीटर। और वही हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 7 सेंटीमीटर। चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पे रख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझना, यहाँ पे जो दिख रहा है पूरा सेक्टर, समझना ये कितने ये बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये एक सेक्टर नहीं बन रहा है? एक सेक्टर ये बन रहा है, तो एक सेक्टर और एक सेक्टर और एक सेक्टर, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार। टोटल सेक्टर कितने बन गए? 4 सेक्टर हैं। टोटल जो त्रिज्यखंड हैं, कितने त्रिज्यखंड? और एक बताइए, ये हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का होगा कि नहीं? क्यों 90 डिग्री? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या बराबर होती हैं, तो इनके एंगल भी आपस में। तो यहाँ पे थीटा का मान जो हमारे पास त्रिज्यखंड के लिया मिला, थीटा बराबर कितना मिल गया? कोण कितना मिल गया? 90 डिग्री। बोलो समझ आया? कोण दिया नहीं होता है, आपको यहीं पे गेस करना है। गेस क्या? रेक्टेंगल बना यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर बना यहाँ पे। वर्ग का एंगल एक कितना होता है? बोलो 90 डिग्री। और तो थीटा का मान कितना मिल गया? अब एक चीज यहाँ पे बताएं, ये त्रिज्यखंड एक, एक दो, एक तीन, और ये कितने हो गए? अब ये वाला त्रिज्यखंड अगर यहाँ से निकालने, किसमें से? इसको यहाँ से काटा, ये वाला यहाँ से काटे, ये काटे, ये टोटल कितने कट रहे हैं? क्या एक पूरा वृत्त नहीं बन रहा? बन रहा है कि नहीं? पूरा एक वृत्त बन रहा है कि नहीं यहाँ पे? बोलो, जब ये यहाँ से निकाल देंगे त्रिज्यखंड, किसमें से? इन वाले वृत्त से। क्या निकाल देंगे? इस वृत्त से अगर इसको हम निकाल लेंगे तो माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? कोई चीज हमने कहा था आपसे कि ये कागज है, अगर यहां से हमने इसको काट दिया तो ये माइनस ही तो होगा। yes, समझ रहे हैं कि नहीं बात को? अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन देखो खत्म, बस अगर डायग्राम आपने समझ लिया तो ये क्या करेंगे? पहले ये देखो, इधर ध्यान से, निगाहों से, ये जो पूरा दे रखा, पहले ये क्या है? वर्ग। तो पहले क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बोलो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले क्या हो जाएगा? बोलो, ये पूरा क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एरिया ऑफ स्क्वायर। और माइनस क्या कर देंगे उसमें से? कितने त्रिज्यखंड हैं? 1 2 3 4। अब ये तो एक बताइए, हमने आपको बताया था ये सर्कल है, यहाँ से ऐसे काट लिया तो ये सेक्टर है कि नहीं? बोलो, ये तो एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर, चार सेक्टर, तो कितने हैं? 4 4 इंटू
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ सेक्टर। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको, इतनी बात क्लियर है। तो ये बताइए वर्ग का क्षेत्रफल हमने अभी आपको क्या बताया था, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए स्क्वायर, और ये कितने त्रिज्य खंड थे, 1, 2, 3, 4, इसीलिए गुणा कराया 4 से। बात समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने आपको क्या बताया था, बोलो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या था, थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो यहाँ पे बताओ भुजा का स्क्वायर, ए का मान कितना दे रखा है, 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 14 × 14 दो बार लिखेंगे। ये बताओ थीटा का मान कितना निकला, थीटा का मान कितना निकला, और बटे में कितना है, और पाई का मान, और आर कितना दे रखा है, तो 7 × 7 दो बार लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब ये बताओ 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, होता है कि नहीं, बोलो। ये बताओ ये कितनी बार गया, 4 × 4 भी क्या हो गया, ये 7 × 7 क्या हो गया, 22 × 7 = 154, बचा कितना, 154। अब एक चीज बताएं, 196 में से अगर हम 154 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड रीजन आया कौन सा, ये वाला शेडेड रीजन, और ये त्रिज्य खंड पूरा निकल के कितना आया, बोलो, ये जब त्रिज्य खंड निकाल लिया इसमें से, तब हमारे पास ये जो शेडेड रीजन का एरिया आया कितना आया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या नहीं समझ में आया, क्लियर है, नोट कर लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके। A का मतलब क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड को A से डिनोट करते हैं, चाहे S से कर दो कोई मैटर नहीं करता है, वैसे साइड को A से डिनोट करते हैं, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट करो क्वेश्चन नंबर 8 भी, बहुत एग्जाम में पूछा था, 3-4 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है, ठीक है, 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक हमारे पास आकृति दे रखी 12.26, एक दौड़ने पर रेसिंग ट्रैकिंग दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं, कैसे हैं, बोलो, अर्धवृत्ताकार हैं। तो ये देखो एक डायग्राम बना लो, यहां से लेकर ये कुछ ऐसे बना है ना, ठीक है, बोलो ये क्या बना है हमारे पास, एक डायग्राम बना है, बात समझना है इस बात को, ठीक है, क्लियर है, ये हमारे पास क्या बना है, डायग्राम बना है, और एक और क्या बना है इसके ऊपर, ये भी देखिए बना है एक और इसके ऊपर, ऐसे समझना, 8 मेरी सही नहीं है, ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है, ठीक है, फील करो थोड़ी देर के लिए। अब क्या कह रहा है समझिए, यहाँ पे जो दे रखा है प्रत्येक खंड के 106, जो हमारे पास प्रत्येक खंड है, समझना बात को, यहाँ से लेकर के ये जो प्रत्येक खंड है, देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, मान लेते हैं ये वो वाला क्या है, खंड है, खंड मतलब क्या, जो काटे ना, समझ रहे हैं कि नहीं, इसको काटेंगे तभी तो देखिए ये वाला जो बनेगा, ऐसे हमारे पास ये जो लाइन बन रहा है ऐसे, ये अर्धवृत्ताकार बनेगा कि नहीं, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं, जब इसको अर्धवृत्त अर्ध इसको खंड किया, इसको भी हम क्या करेंगे, खंड किया, तो देखिए एक ये अर्धवृत्त बना और एक सेमी सर्कल बन रहा है कि नहीं, बोलो, आप समझना बात को, ये जो इसकी साइड दे रखा है, ये जो साइड का है, ये साइड कितनी है, बोलो, इसकी 106 मीटर है, सेंटीमीटर 106 मीटर कितना है, लंबा है, कहाँ से लेकर, जहाँ से इसको काटा जा रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को, जब ये 106 सेंटीमीटर है, 106 मीटर है, तो ये भी 106 मीटर है कि नहीं, बोलो, क्योंकि ये वाली साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी ना, समझ रहे हैं कि नहीं इसमें डायग्राम में, अब समझना, अब क्या कह रहा, 10 मीटर चौड़ा है, सॉरी क्या कह रहा, हाँ 10 मीटर पथ क्या है, चौड़ा है, ये जो देखो इसको चौड़ाई है, यहाँ से लेकर ये देखो, ये जो इसकी चौड़ाई दे रखा है कितना है, बोलो,
दस मीटर, जब ये 10 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो यहाँ पर भी तो 10 मीटर होगा कि नहीं, बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा कि नहीं, बोलो, और यहाँ पर भी कितनी होगी? 10 मीटर। इतनी बात समझ में आई पहले कि नहीं, बताओ, क्लियर है? अब एक चीज यहाँ पे बताएं, ये वाला देखो एक अर्धवृत्त बन रहा है तो ये इसका क्या है? केंद्र। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? केंद्र। अब ये बताओ, ये 30 से और कुछ दे रखा है इसमें? 60 सेंटीमीटर बीच की दूरी दे रखा है। 60 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? बीच की दूरी, मतलब ये वाली, समझ रहे हैं? बीच की दूरी ये वाली जो दे रखा है, कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर। ये यहां से लेकर यहां तक दूरी और यहां से लेकर के ये यहां तक दूरी, ये भी कितनी दे रखा है? 60 मीटर दे रखा है। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये 60 मीटर है और ये भी 60 मीटर है। अब समझना है बात को, यहां पे जो ये दे रखा है कितना, क्या ये एक, अच्छी निगाहों से इधर देखो, ये एक जो बन रहा है हमारे पास, क्या ये एक अर्धवृत्त नहीं बन रहा है? एक यहां पे बन रहा है तो क्या एक यहां पे एक अर्धवृत्त नहीं दिख रहा आपको? ये वाला देखो जल्दी ध्यान से, ये भी तो एक अर्धवृत्त बन रहा है, ये इसका क्या है? सेंटर है। और हमने आपको बताया था कि कोई अर्धवृत्त अगर ऐसे बन रहा है, यहाँ पे सेंटर है, तो अगर ये लाइन 4 सेंटीमीटर हो या कुछ भी हो, तो ये दो बराबर भागों में बराबर बांटती है कि नहीं? मतलब ये भी रेडियस इसकी 2 होगी और यहाँ पर भी रेडियस कितनी होगी? तभी तो पूरी 4 होती है। तो ये बताओ टोटल कितनी है? 60। तो क्या यहाँ से ले करके यहाँ तक 30-30 नहीं होगी? बोलो, तो ये 30 होगी, ये भी कितनी होगी? और यहाँ पर भी बोलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 30 मीटर, और ये भी कितनी होगी? बोलो, इतनी बात पहले समझ में आ रही है कि नहीं? ये डन है यहाँ तक? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? आप समझो, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सर्कल बन रहा। अब फिर अपनी गंदी निगाहों से देखो, इधर देखो, क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बड़ा सर्कल ये नहीं बन रहा है? बोलो, ये बन रहा है कि नहीं? पूरा देखो, यहां से गए, फिर यहां पे हम ऐसे आए, और फिर यहां पे क्या एक बड़ा अर्ध सर्कल नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं? सेमी सर्कल। तो जब यहां पे सेमी सर्कल ये बन रहा है, और यहां पर भी क्या ऐसे ऐसे नहीं बनेगा? ध्यान से देखो, ये भी तो एक बड़ा सेमी सर्कल बन रहा है कि नहीं? यहां से लेकर, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, क्लियर है? अब एक चीज बताओ, ये तो थी छोटे वृत्त वाले के लिए, अर्धवृत्त वाले के लिए त्रिज्या कितनी है छोटे वाले के लिए? और 30 ये है, तो यहां से लेकर यहां तक इस बिंदु तक 30 है, और जैसे इस लाइन से आगे बढ़ा तो 10 मीटर इसकी चौड़ाई भी तो जुड़ गई। किस में जुड़ गई? अर्धवृत्त में जुड़ गई। किस में जुड़ गई? कौन से? अब बड़े वाले अर्धवृत्त में। ये तो छोटा वाला अर्धवृत्त है, ध्यान से देखिए, ये छोटा वाला हटा रहे हैं, छोटे वाले की कितनी थी रेडियस? तो यहाँ पे छोटे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं R1। R1 कितना मान लें? 30 मीटर मान लें। कितना मीटर ही तो है ये? 30 मीटर ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। अब ये बताओ बड़े वाले वृत्त की ये 30, ये छोटे वाले की, और इसमें 10 और जोड़ देंगे तो R2 कितना टोटल हो जाएगा? क्या 40 मीटर नहीं हो जाएगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे जो R2 रेडियस निकल के आ गई, क्या 40 मीटर नहीं निकल के आई? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो, सबके समझ में आई कि नहीं? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? अब जब रेडियस हमें पता चल गई, तो एक चीज ये बताएं, ये वाला बड़ा साइड देखिएगा, अब ये वाली लाइन तो क्या थी इसकी? बोलो, ये क्या है? इसकी व्यास है ना। अब ये बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या एक आयत नहीं बन रहा है? ध्यान से देखो अपनी निगाहों से, बात समझिए, हम फिर बता रहे हैं, क्वेश्चन में ही क्लू है। अच्छी निगाहों से देखें या गंदी निगाहों से देखें, कुल मिला के आप देखें जरूर, ये वाला दिख रहा है आपको? बोलो, ये वाला पूरा अगर जाएगा तो आपको क्या एक आयत नहीं दिख गया? आयत एक ऐसा होता है, एक ऐसा आयत होता है जिसकी, ये इसकी आयत की क्या होती है? ब्रीथ होती है। क्या होती है? ब्रीथ मतलब चौड़ाई। ये क्या होता है? बोलो, चौड़ाई होता है आयत की। और ये आयत की क्या होती है? लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई होती है कि नहीं? बोलो, ये आयत की चौड़ाई होती है, आयत की लंबाई होती है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, यहाँ पे सी और ये डी। और हमने आपको बताया था कि आयत का फॉर्मूला क्या होता है इसमें क्षेत्रफल के लिए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बोलो, इतनी बात समझ में आई? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब इसमें क्या, अब फिर निगाहों से ध्यान से देखिएगा, एक क्या इसमें एक ही आयत है कि दो आयत है, कोई बता सकता है? एक तो आयत ये है, और एक बताओ, एक यहां से लेकर के एक बाहर फिर एक आयत ऐसे नहीं जा रहा पूरा? आयत भी तो दो है यहाँ पे, आयत कितने हैं? और यहाँ पे वृत्त कितने थे? एक छोटा वृत्त अर्धवृत्त, तो दूसरा एक बड़ा वाला। यहाँ पे एक छोटा एक बड़ा वाला, एक
रेक्टेंगल कितना है, छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला। बात समझ में आई? डायग्राम से ही सब चीजें मिल गई हमें। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बताया आपसे सॉल्व करने के लिए, बोलो पहला क्या कहा उसने? हाँ बोलो, पहला क्या कहा? तो डिस्टेंस ऑफ इनर पॉइंट। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ इनर पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ इनर पॉइंट, इनर पार्ट। बोलो क्या है, डिस्टेंस ऑफ इनर पार्ट, आंतरिक भाग का दूरी, आंतरिक भाग की, आंतरिक भाग की दूरी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, जो आंतरिक भाग की दूरी निकालने जा रहे हैं, समझना, ये वाले आंतरिक भाग की दूरी निकाले। तो अंदर की जब दूरी निकालेंगे तो पहले इसमें क्या मिलेगा, बोलो, आयत का क्षेत्रफल मिलेगा। ये बताओ आयत कहाँ से, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल किया, समझना बात को, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रैवल किया कितना, 106 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 मीटर, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ गया है तो 60 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली आमने, ये बताओ आमने सामने की जो ट्रैवल कर रहा है, समझना, इधर आमने सामने की जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये 106 तो ये भी 106 होगा। अरे हम आपसे कहें कि यहाँ आपको घूमना है ऐसे, है ना, मान लिया हम कह दिए कि ये 3 किलोमीटर का है, कितना है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का हमने कह दिया, कितना है, अगर ये यहाँ पे डेढ़ होगा तो वहां पर भी तो डेढ़ होगा, बोलो डेढ़ डेढ़ तीन, अगर एक इधर होगा तो एक इधर होगा कि नहीं, तभी तो टोटल 4 हो जाएगा। तो समझना है यहाँ पे, जब ये 106 है तो ये 106 टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 212। तो ये क्या है, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, कितना है बोलो, 106 प्लस 106। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये किसका है, आयत, ठीक है, जो ट्रैवल डिस्टेंस किया। अब ये बताओ माइनस करेंगे कि यहाँ प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, क्यों, अगर हम बताएं यहाँ पे देखो, हमने कहा कि मेरे पास एक ये कागज है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कागज है और इसमें एक और कागज ऊपर से हमने जोड़ दिया तो घटा के जुड़ा, समझ रहे हैं कि नहीं बात। हमने कहा कि एक हमारे पास ये कागज है, ये हमारे पास कागज है, इसमें से इतना कागज हम निकाल लें, काट दें, तो माइनस होगा कि प्लस होगा, आप समझ में आया, माइनस प्लस कैसे होगा, तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, देखो इसके ऊपर एक और आया है ना, तो क्या होगा, बोलो प्लस हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, प्लस, तो प्लस होगा। तो अर्धवृत्त कितने हैं बताइए, यहाँ पे छोटे वाले अर्धवृत्त हैं कि नहीं हमारे पास, तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी कि नहीं, बोलो ये क्या है, इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी परिधि है ना, तो कितनी परिधि है यहाँ पे, दो परिधि, एक तो ये, अरे अर्धवृत्त कितना है, देखो इधर एक ये अर्धवृत्त है और एक ये, तो एक एक कितने हो गए, दो अर्धवृत्त, तो यहाँ पे लिखा हमने दो, इधर लिख दें यहाँ पे दो गुड़े अर्धवृत्त, कितने अर्धवृत्त हैं, बोलो अर्धवृत्त हैं कि नहीं, कितने अर्धवृत्त हैं, दो, तो यहाँ पे दो गुड़े अर्धवृत्त की परिधि, देखो दो गुड़े अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, 1/2 अर्धवृत्त की परिधि, 1/2 2πr होता है, बोलो क्या होता है, इधर लिख दें क्या, इधर रहने देना, इधर लिख देते हैं, इधर समझिए, यहाँ से समझिए, यहाँ लगाते हैं, समझना, यहाँ पे 106 प्लस 106, ये समझ में आया कैसे आया, और प्लस, अब समझना, एक अर्धवृत्त और एक एक कितना हो गया, दो गुड़े अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, 1/2, और यहाँ पे 2πr, तुम्हारा कहने का मतलब सही है, पाई आर, अर्धवृत्त में 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, पाई आर ही आ जाएगा, लेकिन हमें समझाना है इसलिए हम यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं। तो समझ में आया, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 2πr, ये अर्धवृत्त की क्या होती है, परिधि, सरकमफेरेंस होता है, समझ आया। अब ये बताओ 106 प्लस 106 कितना हो गया, 212। अब ये चाहिए, 2 से 2 क्या कैंसिल नहीं हो गया, यहाँ पे बचा कितना, 2, और यहाँ पे कितना है, पाई, और यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। तो ये किसके लिए था, ये अर्धवृत्त जो है कौन सा है, छोटा वाला था कि ये बड़ा वाला, छोटा वाला, तो त्रिज्या छोटे वाले की लेंगे कि बड़े वाले की, बोलो किसकी लेंगे, छोटे वाले की लेंगे कि बड़े वाले की, तो छोटे वाले की क्या रेडियस है, तो क्या इसको R1 नहीं मान सकते हैं, इसको R1 मान सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको R1 कर लिया। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे, पहला पार्ट का सॉल्यूशन यहीं पे खत्म। पाई का मान कितना होता है और रेडियस कितना है, 30, रेडियस कितनी है, अब ये बताओ क्या ये कट रहा है कुछ, देखो 212 है कि नहीं हमारे पास, और प्लस 22 दुना कितना हो गया, 44, 3 कितना होता है, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 132, 1300 कितना हो जाएगा, 20, बोलो बात समझ में आया कि नहीं।
बटे में कितना है 7, बटे में यहाँ पे क्या कर लिया, एलसीएम ले सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइए। देखिए इधर, 7 दुना कितना हो गया 14, के कितना हो गया 7 और 1 कितना हो गया 8, और 7 दुने बोलो बात समझ में आया, और प्लस 1 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 1320 ही तो रहेगा, और बटे में एलसीएम कितना आ गया। अब इसको जोड़ दो, यहाँ पे कितना आया, और यहाँ पे कितना 0, 8 2 10 10 का 0, 4 3 7 7 एक कितना हो गया 2, और सॉरी 1 का कितना हो गया 2, 2807 बटे कितना आ जाएगा 7। ये क्या है, मीटर। ये किसका निकल आया, आंतरिक भाग की दूरी, ये वाली डिस्टेंस निकल आई। बोलो कहीं डाउट है। अब सेकंड पार्ट देखो, पहले फर्स्ट नोट करो जल्दी से इसका, फिर सेकंड पार्ट देखो। कुछ डायग्राम समझ में आया, ये सब डायग्राम में ही है। ये क्वेश्चन 3-4 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है, हो सकता है फिर रिपीट कर दे। कसानुल कहीं डाउट है, नहीं आया समझ में, बताओ कहाँ पे जो चिन्ह है। ये जो सर 106 मीटर सर दिया गया, हाँ सर, इसकी ये चौड़ाई भी तो है सर, किसकी, ये लंबाई है, ये लंबाई है इसकी, लंबाई है, हाँ ये चौड़ाई 60 मीटर, ये 60 है चौड़ाई, तो ये भी तो 60 है, वो भी बाद में बता रहे। ये तो भी इसका पूछा है सिर्फ, कौन सा, फर्स्ट वाले पार्ट का आंतरिक भाग की दूरी सिर्फ पूछा है। ये क्या पूछा है, आंतरिक भाग की दूरी सिर्फ पूछा है, हाँ। ये भी 60 तुम सोच रहे हो क्यों नहीं लिया गया ना, अभी बता रहे हैं क्यों नहीं लिया गया, पहले नोट कर लो। अभी दूसरे वाले में ये निकालना है, वो अब इसमें नहीं पूछा है ना, अब इसमें पूछा नहीं तो हम जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे। अब देखो एरिया पूछा है सेकंड वाले का, ये तो बताएंगे, इसमें बताया जाएगा, जब एरिया कहेगा तभी तो लंबाई गुणे चौड़ाई लगाएंगे। यहाँ एरिया पूछा था नहीं, आंतरिक भाग की दूरी सिर्फ पूछ रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, ये दूरी 106 प्लस 106, बाकी इसकी परिधि कौन सी, अर्धवृत्त की, जब क्षेत्रफल कहेगा तब लगाएंगे, अभी देखना इसके बाद लगा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तुम्हारे यहाँ से वो नहीं है, 3 लोग आने वाले थे, यस, कौन, तुम्हारे घर के पास बगल में, क्या नाम है, मुन्ना नाम है ना उनके, डिस्टेंस ऑफ इनर पार्ट, आंतरिक भाग की दूरी, क्या हुआ, और 3 लोग कोई बता रहे थे कल आए थे ना इंक्वायरी लेने, तो भाग और भला यहीं पे होगा। तुम्हारी साइकिल उठाने आए थे आज, तुम बच के जाना कुल मिला के, गैंग है उनका पूरा, उनको उठाना ले जाए आज, गैप कर दें, आफत ही हो जाए। छुरी लेके आते हैं, हॉकी बैट तो नहीं लेके आते हैं। अब रब करें, सभी लोगों का नोट हो गया, चलो देखो। हाँ यहाँ पे R2 की जरूरत ही नहीं, सिर्फ अर्धवृत्त का था ना, इनर पार्ट में यही तो है, आउटर पार्ट में ये देखो 10 जा रहा है, इनर पार्ट निकाला ये वाला भी, हाँ। अब क्या निकालेंगे, आउटर पार्ट बाह निकालेंगे, समझ रहा मेरा कि नहीं बात। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सॉरी रेडियस थी, बोलो सेकंड पार्ट इसका क्या है हमारे पास, रेडियस कितनी देर की थी, 30 सेंटीमीटर ना, 30 मीटर, R2 कितनी देर की थी, 40 मीटर दे रखा था कि नहीं, बोलो। अब समझना यहाँ बात को, हमने आपको क्या बताया, इधर देखो, अब इसमें कितने रेक्टेंगल कितने हैं, आयत कितने हैं इसमें,
कितने आयत हैं? दो, एक ये वाला आयत छोटा वाला आंतरिक वाला और एक ये वाला पूरा बड़ा वाला है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो पहले वाले आयत का क्षेत्रफल कौन से? छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे हो जाएगा कि नहीं? बोलो अभी बताओ। यहाँ पे क्या है? छोटा वाला क्या है? अर्धवृत्त दे रखा है, क्या देखो, और ये वाला क्या दे रखा है? तो बताना क्या था? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, एरिया ऑफ सेडेड रीजन। तो सेडेड रीजन भी बताओ, ये वाला बड़े वाले में से ये छोटा वाला अगर हम माइनस कर दे, ये अगर हटाएंगे तो माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? माइनस करेंगे ना। इस वाले बड़े पार्ट में से अगर इस वाले पार्ट को हटाएंगे तो माइनस ही तो करेंगे, तो बड़े में से क्या करेंगे? छोटा वाला अर्धवृत्त घटाएंगे। तो समझना यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या निकालना है, बोलो यहाँ पे लाइन बता दो। सेकेंड पार्ट क्या? पथ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक है ना, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। जब पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगा जा रहा है, ठीक है, पथ का क्षेत्रफल। आप ये बताएं, पहले जब पथ का क्षेत्रफल बताएंगे तो ये वाला दिख रहा लाइन आपको, और एक क्या दिख रहा? ये वाला। तो ये पूरा जो दे रखा है, ये क्या है? आयत दे रखा है। और आयत का क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया, लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल कौन से? छोटे वाले का। किसका? छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 106 गुणे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे 106 गुणे 60 किया। तो पहले काम करें, पहले बड़े वाला कर लेते हैं। 106 गुणे कितना कर दिया? यहाँ पे बोलो 80। अब कहोगे 80 कहाँ से आ गया है? समझ में आया? ये बताओ 60 ये है, देखो यहाँ से लेकर टोटल कितना है ये? 60 ये है। तो ये 10 यहाँ पे बढ़ रहा है कि नहीं? तो 10 ये बढ़ा और यहां से लेकर 10 ये बढ़ा। अब हम वी कैन से दैट, यहां पे देखो, ये टोटल अब क्या 80 मीटर नहीं हो जाएगा? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो ये कितना था पहले? ये 60, 10 इधर जुड़ा और 10 उधर। तो अब टोटल ये कितना हो गया? 80 मीटर हो गया कि नहीं? बोलो ये समझ आया? 80 कैसे हो गया? तो ये छोटे वाले के लिए देखे, ये लंबाई है छोटे वाले के लिए और ये चौड़ाई है छोटे वाले आयत के लिए। तो छोटे वाले आयत के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें भी क्या करेंगे? बड़े वाले आयत से क्या करेंगे? निकालेंगे कि नहीं? बड़े वाले आयत से क्या करेंगे? छोटा वाला। तो पहले बड़ा वाला आयत देखो, इसकी जो डिस्टेंस में है क्या कोई फर्क पड़ेगा? जब ये 106 थी तो ये भी डिस्टेंस कितनी थी? 106 ही रहेगी कि नहीं? बोलो बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जब ये 106 है तो ये भी कितनी होगी? 106 ही मीटर होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो, बड़े वाले के लिए लंबाई ये है, चौड़ाई क्या है? ये। छोटे वाले आयत के लिए लंबाई ये है, चौड़ाई क्या है? ये। तो लंबाई गुणे क्या किया? चौड़ाई। माइनस करेंगे कि प्लस? हमने बताया। तो अब क्या करेंगे? 106 गुणे लंबाई गुणे कितना हो जाएगा? देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई छोटे वाले के लिए और लंबाई गुणे चौड़ाई बड़े वाले के लिए क्या किया? माइनस कर दिया। नई बात समझ में? अब बताओ यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये बताओ, यहाँ पे कौन सा था अर्धवृत्त? छोटा वाला। और इसके बाद में क्या है? तो माइनस करेंगे वहां पर भी कि नहीं? तो छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बोलो, पहले अर्धवृत्त है कितने? एक इधर है, एक इधर है कि नहीं? दो, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी। तो नहीं, चार कैसे हो जाएंगे? एक ये दो ही तो हैं, और यहाँ पर भी एक ये और एक ये, दो ही तो बन रहे हैं कि नहीं यहाँ पे? अरे कहने का मतलब ये पूरा अगर करें तो एक ही तो बनेगा। तो यहाँ पे दो गुड़े, समझ रहे हैं, दो गुड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि एरिया आप क्यों निकालेंगे? वहां पे क्या निकाला था? सर्कमफेरेंस, परिधि निकाली थी, और यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। समझ रहे हैं? तो बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर वन का स्क्वायर, सॉरी पाई आर टू, बड़े वाले क्षेत्रफल की रेडियस आर टू, माइनस 1/2 पाई आर वन का स्क्वायर, मतलब छोटे वाले अर्धवृत्त के लिए क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया? अरे देखो, इधर हमने आपको बताया था कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ये अर्धवृत्त है कि नहीं? बोलो, इसका एरिया हमने बताया था 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? इसका एरिया क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो, छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, और बड़े वाले का 1/2 पाई आर टू का। तो बड़े में से क्या किया? छोटा माइनस किया। और यहां पर भी आयत में भी बड़े में से क्या किया?
छोटा माइनस किया, दोनों बातें समझ माइक नहीं बोले, क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ इनमें से क्या 106 कॉमन नहीं मिल रहा है? देखो कैलकुलेशन कितना हो जाए इजी हो जाता है, 106 बचा कितना 80 - 60, इतनी बात क्लियर है? प्लस यहाँ पे ये बताओ यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, 1/2 पाई, वेरी गुड, 1/2 और ये पाई, तो यहाँ पे 2 गुणे, ये 2 कहाँ से आया था समझ में आया? 1 और 1 2, क्योंकि 2 अर्धवृत्त यहाँ पर भी हैं और 2 अर्धवृत्त बड़े वाले यहाँ पर, तो है तो 2 ही, तो 2 गुणे 1/2 और यहाँ पे पाई कॉमन मिल गया, या 1/2 कहो या पाई बटे 2 बात एक ही होती है, समझना, 1/2 पाई लिखाओ चाहे पाई बटे 2 लिखाओ बात ये एक ही होती है, ये नहीं कि एक कुछ अलग यहाँ पे है, समझ रहे हैं? अब यहाँ पे कॉमन जब मिल गया तो यहाँ क्या R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? छोटे वृत्त की त्रिज्या माइनस बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या, क्या 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं होगा? अब ये बताओ 106 हमारे पास है कि नहीं, इसमें से घटाएंगे 20 बचेगा कि नहीं? प्लस अब समझना यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है, वी नो दैट पाई इज इक्वल टू 22/ कितना होता है 7, अब ये R2 कितना था 40 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 30 का स्क्वायर, क्या ये जो कंडीशन बन गई, इधर देखना A² - B² की कंडीशन नहीं बनी, तो ये क्या हो जाता है A+B एक ब्रैकेट में हो जाता है और A- भी एक ब्रैकेट, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन, इसका 106 का गुणा 2 से कराओगे तो 212 मतलब 2120 आ जाएगा कि नहीं, 212 मतलब 2120, ये 0 है कि नहीं यहाँ पे, और 22/ यहाँ पे कितना है 7, और एक चीज बताइए इसको हम जब तोड़ेंगे तो ये एक आ जाएगा 40+30 और एक आ जाएगा 40-30, स्क्वायर ना करना, A² - B² खोल दोगे कंडीशन यही तो बनेगा, A+B और A- भी। अब ध्यान से समझना अच्छी तरीके से, ये 2100 कितना दे रखा है 2120 और प्लस यहाँ पे 22/ ये बताओ 40 और 30 कितना हो जाएगा, और 40 में से 30 चला गया 10, तो कह सकते हैं 70 और 10 हो जाएगा कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये 7 से क्या 7 नहीं जाएगा 10 बार? अब ये बताओ 2100 यहाँ पे कितना था 20 और ये कितना है 22 और 00 है कि नहीं, तो ये 2200 हो गया कि नहीं बोलो? अब अगर इसमें हम जोड़ दें कितना 0 यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कितना 2 ऐसे हमने लिखा ठीक है, 2 कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गया 4, 4320 सेंटीमीटर था, मीटर में था मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट, क्लियर है? नोट कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।